सिग्मा पेटल रॉयल, नाम तो याद ही होगा या फिर ये भी भूल गए। चलो याद ही होगा। ये वीडियो ना तुम सभी काफी सारे डिमांड पे भाई काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई रीजन क्या है, आखिर क्यों इस गेम को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया, क्यों इसके सर्वर को बंद कर दी गई, क्यों हम इस गेम को अभी प्ले नहीं कर सकते। देखा जाए तो सबकी अलग अलग अपनी अपनी ओपिनियन है। किसी कहना है ये गेम पूरी तरह से फ्री फायर का कॉपी था, इसलिए गरीना वालों ने इसे बंद करा दिया होगा। एंड किसी कहना ये हमारे गेम का डेटा चोरी करता था, इसलिए इसे सर्वर को बंद कर दिया। या फिर किसी का कहना ये प्ले स्टोर पे इलीगल तरीके से था, इसलिए प्ले स्टोर से रिमूव हो चुका है। भाई रीजन क्या है, सबकी सुने तो सबकी तो अलग अलग है। चलो आज मैं तुमको बताता हूँ ये गेम का रीजन क्या है। क्या हमें आने वाले टाइम में गेम देखने को मिलेगा, या फिर हम इसे खेल पाते हैं नहीं, या फिर ऐसे बस जस्ट वेट पे हम पड़े रहे हैं। क्योंकि तुम्हें पता होगा ये गेम जब से मेंटेनेंस पे गया है तब से तो आया ही अभी तक नहीं। तो रीजन क्या है इस गेम का बैन होने के लिए, यार एक बार बोलो तो। ये गेम आज से 6 महीने जब पहले आया था ना तो ये प्ले स्टोर पे लॉन्च हुआ था। हाँ, अब बाकी कोई प्लेयर ऐसे बोलेंगे ना भाई ये प्ले स्टोर पे तो आया ही नहीं था, बट बता दो यार ये प्ले स्टोर पे आया था। एंड जिस दिन प्ले स्टोर पे आया था ना, हाँ इंडियन के प्ले स्टोर पे नहीं आया था, ये अदर सर्वर के प्ले स्टोर पे था, इंडिया पे नहीं था, इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं होगा। बट ये प्ले स्टोर पे आया था एंड मैंने उसी दिन डाउनलोड किया था, और मैंने इसके बारे में तुम्हें बताया भी था कि भाई कुछ ऐसा गेम भी आया है फर्स्ट टाइम ही। और ये गेम प्ले स्टोर पे आते ही इतना ज्यादा धमाल मचाया कि इसके बैन होने का मतलब रिमूव होने का कारण वही बन गया। क्योंकि ये प्ले स्टोर पे आते 48 घंटे के अंदर ना 500K प्लस डाउनलोड चला गया था। अब तुम्हें पता होगा किसी चीज के पॉपुलर होने के बाद ना जो भी चीजें होते हैं ना उसका ध्यान उस पे तो जाता ही है। वैसे प्ले स्टोर पे देखा जाए तो इससे भी कचरे वाले ऐप बहुत सारे पड़े हुए हैं, बट वो प्ले स्टोर पे अभी भी है, उसे रिमूव नहीं किया जा रहा है। लेकिन भाई रीजन ये रहा कि एक डाउनलोड बहुत ज्यादा हो गया कम टाइम के अंदर, मतलब 48 घंटे के अंदर 500K प्लस डाउनलोड बहुत ज्यादा मैटर करता है ये। और इसी की वजह से भाई प्ले स्टोर का ध्यान इस ऐप पे गया कि बाकी भाई कौन सा ऐप है ये। एंड उसके बाद 2 दिनों से 3 दिन रहा, उसके बाद उसे प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया। अब रीजन तो मुझे नहीं पता कि मेन रीजन वहाँ पे क्या था, हो सकता है कुछ इसके बाद इस ऐप को रन करने के लिए उसके पास कोई लीगली डॉक्यूमेंट ना हो, इसलिए गाइस उन लोगों ने प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया। एंड उसके बाद बोला थोड़ी देर टाइम बाद आना। बट डोंट वरी, देखो कोई भी गेम अगर प्ले स्टोर से रिमूव हो जाता है ना तो उसके सर्वर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि सर्वर का मेंटेनेंस जो गेम डेवलपर है वही निर्भर करता है। अगर प्ले स्टोर पे गेम ना हुआ तो कोई बात नहीं, हम कहीं और से डाउनलोड करके इसे प्ले कर लेते, ये हो भी रहता कुछ टाइम कुछ दिन और तक। लेकिन आखिर में सर्वर को बंद क्यों करना पड़ा, ये मेन रीजन आता है ना। कि अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ये गेम पूरी तरह से कॉपी था फ्री फायर को, तो फ्री फायर वालों ने इस सर्वर को बैन कर दिया होगा, रिमूव करवा दिया होगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फ्री फायर की तरफ से इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। अब बोलो एक तरह से कॉपी, तो क्या लगता है तुम्हें ये गेम सच में कॉपी था फ्री फायर के? तो बोलो तो पूरी तरह से कॉपी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये गेम और फ्री फायर अलग था। हाँ देखो कॉन्सेप्ट एक ही था, मैप के डिजाइन वगैरह सब कुछ सेम थे, बट ग्राफिक्स यार मेन तो वही मैटर करता है ना। फ्री फायर के जो ग्राफिक्स अभी देख ले हो, तो अगर क्या लगता है तुम्हें फ्री फायर के जो ग्राफिक्स अगर धीरे धीरे घटाते जाए तो ऐसा हो जाएगा कार्टून टाइप में? नहीं यार, वो पूरे पिक्सल उसके खराब हो जाएंगे, गंदा दिखेगा कचरा। लेकिन इसके ग्राफिक्स एक कार्टूनी टाइप में थे। तो अगर किसी गेम का कॉपी कार्टूनी बनाना है ना, उसके पूरे मैप को फिर से रीडिजाइन करना पड़ता है। जिसने घर, हाउस, कैरेक्टर, पेड़ पौधे, गाड़ी जो भी थे ना, सब कुछ उसे रीडिजाइन करना पड़ता है, उसके कार्टून का एक लुक देना पड़ता है अलग से। ऐसा नहीं कि उसकी ग्राफिक्स कम कर दिए और वो कार्टूनी टाइप में हो गया। मैंने तो यार बहुत लगती है इसके अंदर भी, तो कॉपी सीधा सीधा तो बोल नहीं सकती, क्योंकि उठा किसने रखा नहीं था, ये उसने बनाया था काफी अच्छे तरीके से, और ये चल भी रहा था बहुत स्मूथ तरीके से। और ये काफी छोटा गेम था, तो हमारे नॉर्मल डिवाइस था जो 1-2 GB उसमें भी बहुत अच्छी तरह चल रहा था बिना लैग के, ये इस गेम का प्लस पॉइंट था। और ये फ्री फायर से खेलने में ज्यादा ही मजा आ रहा था, तो बहुत सारे प्लेयर से भाई पसंद भी कर रहे थे। अब कुछ लोग इसमें डाउट आ रहा था भाई ये डेटा चोरी कर रहा था ऐसा वैसा, तो शायद ऐसा तो कुछ नहीं था। आई थिंक भाई मेरे हिसाब से कुछ ऐसा नहीं था, बाकी वो पूरी तरह डिटेल नहीं। लेकिन हाँ बात आती है ना, आखिर इसमें सर्वर को बंद क्यों कर दिया, फ्री फायर की तरफ से कोई एक्शन लिया ही नहीं गया था, तो सर्वर किन लोगों ने बंद क्यों किया? अब जैसे कि तुम जानते हो गेम वाले तो कुछ बताते हैं नहीं, इसका मेंटेनेंस पे गया और बोला कि हम बहुत जल्दी कमबैक करेंगे। फ्री फायर में भी कुछ ऐसा होता है, बैन वैन होता है कुछ, तो बताता होता था है नहीं, सेम कुछ ऐसा ही था। इस चीज को हमने सोचा चलो यार गूगल से पता लगाते हैं कि आखिर इसके बंद होने का कारण क्या था। अब तुम्हें पता होगा तेरे गिरा, गूगल के पास तो भाई उठपटांग वाला जवाब होते हैं, उसे कुछ पता ही नहीं होता। लेकिन एक चीज था ChatGPT, गाइस जिसके बारे में तुम्हें पता है ना ये बहुत अच्छे तरह जवाब देता है, और इस चीज को हमने उसके अंदर भी सर्च किया, उसका जवाब क्या है तुम लोग देखोगे।
देखो यहाँ पे भाई इंग्लिश में लिखा हुआ है, चलो मैं इसे ट्रांसलेट कर देता हूँ हिंदी पे। देखो इसका कहना है कि ऐसे गेम जो रिमूव होने के कारण वो तो पूरे अच्छे इजेक्टर्स में पता नहीं है, लेकिन वो अपने अपने हिसाब से बता सकता है कि भाई गेम बैन होने का रिमूव होने का रीजन क्या है। पहले में तो बताया इसने कि यार हो सकता है इसी प्लेयर काफी कम प्ले कर रहे हो इसलिए इस गेम को बंद कर दिया गया, बट ऐसा रीजन तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि इस गेम को बहुत ज्यादा प्ले कर रहे थे और ये रीजन तो नहीं हो सकता। दूसरा वाला तकनीकी समस्या या फिर हो सकता है कानून भी बात, या फिर हो सकता है गेम डेवलपर ने कुछ और गेम पे ध्यान देना शुरू कर दिया होगा, ये कारण हो सकते हैं। बट इसका कहना इसमें एक चीज मान सकते हैं, कानून भी बात हो सकता है क्योंकि यार इस गेम के डेवलपर को पता था कि ये गेम कॉपी तो है फ्री फायर का, हमने शायद सेम टू सेम वैसा बनाया है बट कॉपी तो है, अगर फ्री फायर वाले चाहे तो इलीगली एक्शन हम पे ले सकते हैं और हमें मतलब आगे जो भी करवाए वो कर सकते हैं, और इसी सोच के भाई इन लोगों ने हो सकता है इस गेम को बंद कर दिया होगा अपने सर्वर को। और इसके बाद हमें गेम पे एक मेंटेनेंस देखने को मिलता है जो बताया जाता है कि हम कुछ दिन बाद मतलब कुछ टाइम बाद अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर से वापस लौटेंगे फ्यूचर में, पता नहीं कब लौटेंगे बट ये मेंटेनेंस काफी लंबे टाइम तक रहा और वो अभी तक चल भी रहा है, एंड शायद अब तो गेम ओपन भी नहीं हो रहा है, जिसके पास होगा ना वो ओपन भी नहीं हो रहा होगा आगे, आई थिंक मुझे नहीं पता शायद ये आने वाला है भी नहीं, बट जैसे लोग बता रहे थे वैसा तो पक्का लग रहा है कि भाई ये आने वाले। लेकिन यार हमारा फेवरेट तो बन चुका था कुछ ही टाइम के अंदर, क्योंकि अगर फ्री फायर वाले ने इसके ऊपर एक्शन लिया लीगली तो भाई एक्शन तो पक्का लगने वाला था, क्योंकि कॉपी तो थोड़ी हम बोल सकते हैं, देखो मेहनत तो उसने की थी बट डिजाइन वगैरह लुक्स वगैरह बेटर मतलब कुछ कॉन्सेप्ट वैसा का वैसा ही था, तो इसी के वजह से शायद उन लोगों ने सोचा भाई इसके ऊपर केस वगैरह आगे हो सकता है, इसलिए उसने गेम को रिमूव करना सोचा, क्योंकि उसने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी ये गेम इतना ज्यादा पॉपुलर करने वाला है। शायद कुछ प्लेयर इसे भाई डेटा चोरी के नाम पे इसे प्ले ना किए होंगे, लेकिन जिसने भी नहीं प्ले किया थोड़े बहुत मतलब उदास तो होंगे, भाई मैंने तो बहुत प्ले किया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ डेटा वेटा मतलब वो तो नहीं हुआ, खेलने में बहुत ज्यादा मजा आया था। लेकिन चलो मैंने तुमको इतना बता दिया ना, तो चलो भाई एक गेम की तरह एक और गेम तुमको बता देता हूँ जो कि सेम टू सेम ऐसा ही है, ग्राफिक्स वगैरह लेके बोलो तो सब कुछ सेम है ऐसा ही, बस कैरेक्टर थोड़ा सा अलग है बाकी सब कुछ सेम टू सेम। इस गेम का नाम है ये रहा, स्क्रीन पर तुमको देखने को मिल रहा है, हाँ ये गेम का साइज थोड़ा इससे बड़ा है क्योंकि ये गेम तो 200-300 MB का था, लेकिन ये वाला गेम थोड़ा सा बड़ा है 600+ MB का मतलब 700 MB समझ सकते हो, काफी बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन हाँ ग्राफिक्स सेम है भाई, जो ग्राफिक्स ये सिग्मा गेम दे रहा था सेम टू सेम वैसा का वैसा ही, इसके जो कैरेक्टर है वो थोड़ा डिजाइन अलग किए गए हैं, हाँ वैसे शकल वगैरह थोड़ा सा अलग है, इसके अंदर पावर वगैरह भी है गन भी है और ये पूरी तरह से ऑनलाइन है, ऑनलाइन प्लेयर भी बड़े पड़े रहते हैं, तो मगर खेल वगैरह सेम फील कुछ वैसा ही आने वाला है, लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत होती है कि तुम्हारा गेम पर आदत है फ्री फायर खेलने का और ये सेम टू सेम फ्री फायर के जैसा था तो थोड़ा चेंज लग सकता है, लेकिन ग्राफिक्स से मैटर मानोगे ना गन्स वगैरह फायर वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह तो उस गेम का भी सेम है एंड इस गेम का भी सेम है, तुम ट्राई कर सकते हो, साइज में थोड़ा बड़ा भले है लेकिन है कुछ वैसा ही। और क्या तुम्हारे पास ये सिग्मा गेम अभी भी तुम्हारे फोन में पड़ा हुआ है, क्या तुमने इसे ओपन करके देखा है, यार मेरे में तो था बट मैंने ओपन किया ओपन नहीं हो रहा था फिर से हमने डिलीट कर दिया, लेकिन हाँ मेरे पास एपीके फाइल अभी भी पड़ा है, मैंने इंस्टॉल करके नहीं देखा उसे चलता है नहीं, क्या लगता है गाइस ये फ्यूचर में देखने को मिलेगा क्या, क्योंकि इसके कहना तो भाई ऐसा ही था कि हम फ्यूचर में बहुत ही कम बैक करने वाले बेटर तरीके से, तो हो सकता है यार ये लोग इसी गेम को रिडिजाइन कर रहे हैं कुछ अलग तरीके से और अलग ही कानूनी मतलब कानूनी कार्रवाई कागजात वगैरह जो भी होते हैं सभी ना वो लीगल तरीके से फिर से वापस लौट सकते हैं, क्या लगता है, क्योंकि भाई इसके डेवलपर ने सोचा नहीं होगा कभी कि ये गेम इतने जल्दी इतना ज्यादा पॉपुलर होगा, इसी की वजह से इस गेम की और भी बैंड बज गए, तो ज्यादा पॉपुलर होना सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और हाँ मैं फिर बता दूं ना कि गरीना ने इस पे कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया था, अगर वो लेता तो भाई कुछ और ही रीजन होते बट बिना एक्शन के वो पहले ही उसने कट कर दिया, तो भाई समझ सकते हो। तो चलो यार सिग्मा लवर जो भी हो गए ना थोड़े टाइम वेट करना, शायद देखने को मिल जाए तो मैं तुम्हें जरूर से बताऊंगा सबसे पहले फिर से जैसा कि पिछली बार मैंने बताया था, तो अभी के लिए फिलहाल तो भाई नहीं है एंड वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी को लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, बाय।